तो दोस्तों, मैं हूँ राहुल चौहान और आप देख रहे हैं राहुल फिनिटी, और आप सभी का स्वागत है GT3 के एक और हिंदी एपिसोड में। आज का एपिसोड काफ़ी बढ़िया होने वाला है क्योंकि मैं अभी लिबर्टी सिटी में घूमकर रैम्पेज को कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मुझे रैम्पेज मिल चुका है और मुझे 2 मिनट के अंदर 20 ट्राइड्स को निपटाना होगा। तो ये काफ़ी हार्ड रैम्पेज है, पर देखते हैं कहाँ गए ट्राइड्स। तो ये ट्राइड्स, मैंने एक ट्राइड को निपटा दिया है, अब इनकी बारी, और दूसरा ट्राइड भी निपट गया और तीसरा भी। तो भाग लेता हूँ, मेरी हेल्थ 50 बची है, पर एक और ट्राइड्स को भी निपटाऊँगा। और ये भी गया बल्ले से मारने वाला, और इसका साथी भी गया। तो मैंने अब तक 9 ट्राइड्स को निपटा दिया है, हेल्थ ले लेता हूँ। अब एम्बुलेंस वाला इन सबको ठीक कर देगा, ये ठीक भी हो गए, तो इनको भी देख लेता हूँ। और ये इनके साथी भी आ चुके हैं, तो इनके साथी भी मुझसे नहीं बचेंगे। अभी मुझे बस 9 ट्राइड्स को और निपटाना है और मैं निपटाऊँगा। तो पीछे से मार रहे हैं, घेर के मार रहे हैं, पर मैं इनसे बचूँगा। और 2 ट्राइड्स और आ गए, और ये भी गया। तो मेरी हेल्थ काफ़ी बढ़िया है क्योंकि मैं ठीक ठाक खेल रहा हूँ। अभी मुझे 4 ट्राइड्स को निपटाना है, और ये भी गया, इसके पीछे वाला भी गया। अब बस 2 ट्राइड्स मुझे निपटाने हैं, और दोनों ही मेरे पीछे भाग रहे हैं, और ये भी गया। तो मैंने एक रैम्पेज कंप्लीट कर लिया है और मुझे मिले हैं $25,000। ये मेरा 5वां रैम्पेज था, तो इसलिए मुझे $25,000 मिले हैं। तो अभी चलते हैं 6ठे रैम्पेज की ओर, जो इस आइलैंड पर आखिरी रैम्पेज है। तो मैं इस ट्रक में बैठ लेता हूँ और इस ट्रक में बैठ के यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर कुछ कहना हो, बोलना हो, सुनाना हो, बताना हो, पूछना हो, तो कमेंट करो। तो जैसा कि ज़्यादातर मिशन में होता है, मिशन देखने में आसान लगते हैं पर करने में काफ़ी मुश्किल होता है, और वो ट्रैड्स वाला रैम्पेज भी काफ़ी हार्ड था। तो मैं अगले रैम्पेज की तरफ बढ़ रहा हूँ, और इस रैम्पेज में मुझे ग्रेनेड से गाड़ियों को उड़ाना है। तो मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अभी मुझे इस रेलवे ट्रैक पर जाना है और रैम्पेज को ढूँढना है। तो शायद दूसरी तरफ होगा रैम्पेज, और अभी मुझे भागना होगा, और मुझे दिख चुका है, तो ऐसे ही भागना होगा, और एक दिन मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। कभी ना कभी तो मैं रैम्पेज तक पहुँच ही जाऊँगा। और मैं पहुँच चुका हूँ रैम्पेज की लोकेशन तक, और मुझे मिल चुका है। तो मुझे 2 मिनट के अंदर 10 गाड़ियों को ग्रेनेड से उड़ाना है। पर यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ा हूँ, तो कभी भी रेल आ सकती है, और अगर रेल आ गई तो मैं गया, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने अब तक एक गाड़ी को उड़ा दिया है, और ये दूसरी नहीं उड़ी, तो 2 भी उड़ गई। तो मैंने अब तक 2 गाड़ियों को उड़ा दिया है, रेल नहीं आ रही, बस पीछे से ना आ जाए। तो पता नहीं रेल किस तरफ से आएगी, पर अब तक मैंने 2 गाड़ियों को उड़ा रखा है, तो मुझे बिल्कुल भी अंदाज नहीं है। तो अंधाधुन 20-30 ग्रेनेड फेंकने का कुछ फ़ायदा तो हुआ, तो मैंने 3री गाड़ी भी उड़ा दी है। तो 20-25 ग्रेनेड फेंकने पड़े मुझे, पर 3 गाड़ी उड़ चुकी है अब तक, और अभी 4थी गाड़ी को हम उड़ाएंगे। और रेल ने मुझे टक्कर मार दी जैसे कि मुझे लग रहा था, और ये आदमी मुझे पीट रही है क्योंकि इन्होंने देख लिया कि मैं गाड़ियों को उड़ा रहा था, बुरी तरह पीट रहे हैं। इनको क्या तकलीफ़ है, ये भी उड़ा ले गाड़ियों को। और मैंने ग्रेनेड गिर लिया, भागने दो भागने दो, और एक भी गाड़ी नहीं उड़ी, तो 7 के 7 है अभी। अभी मुझे 7 गाड़ियों को उड़ाना है 1 मिनट के अंदर। मुझे देखते ही सब गाड़ी वाले भाग रहे हैं, और अगर मैं कहीं रुक जाता हूँ तो आदमी पीटने लगते हैं। तो मैंने ग्रेनेड फेंक दिया है, और गाड़ी भी ब्लास्ट तो हो गई है, तो फाइनली हो गई गाड़ी ब्लास्ट। तो यहाँ से भाग लेता हूँ इससे पहले कि कोई पीटना शुरू कर दे। तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, मस्सी तो ही आ गई है, और मैंने ग्रेनेड फेंक दिया है और भाग लेता हूँ, उड़ जाएगी वो। तो इधर ये उड़ गई है इसकी आग की वजह से, और इधर ये उड़ गई है, और अब पीछे भी एक उड़ गई है। तो 3 गाड़ी मुझे उड़ानी है, यहाँ से भाग लेता हूँ, अभी भी 3 उड़ानी है मुझे। तो फाइनल इसको मैं उड़ाऊँगा, और अब यहाँ से भाग लेता हूँ। तो मुझे 1 गाड़ी उड़ानी होगी इसके उड़ने के बाद, और हाँ, मुझे 1 गाड़ी उड़ानी है, आदमी मेरे पीछे भाग रही है, तो ये वैन उड़ा दूँगा। तो ये मार रहा है कुत्ते की तरह, और नहीं उड़ी, तो अब तक नहीं उड़ी, तो उड़ गई। तो मैंने रैम्पेज को कंप्लीट कर लिया है, और मुझे मिले हैं $30,000। तो आजकल हर कोई आदमी समाज सेवा करना चाहता है मेरे जैसे गुंडे को पीट के, तो इसलिए मेरे पीछे 20-25 आदमी भाग रहे थे, पर मैं उनके हाथ नहीं आया, और उन सबसे बच के मैं भाग निकला। और अब इसी के साथ मैंने पोर्टलैंड आइलैंड पे सभी रैम्पेजेस को कंप्लीट कर लिया है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय, और आप सभी अपना ख्याल रखना।